हेलो दोस्तों, पार्ट वन में हम बात किए थे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस के बारे में बहुत ही सिंपल वे, ताकि आप लोग समझ पाएं। अभी हम पार्ट टू में उतने ही सिंपल में हम आपको समझाने जा रहे हैं ये एसी डीसी क्या होता है और फ्रीक्वेंसी और ये सर्किट क्या होता है, इसके बारे में चले आगे बढ़ते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं यूसी पटनायक। उम्मीद करता हूं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। नाउ चलते हैं आज के टॉपिक पर। हाँ जी, ये हम एसी डीसी के बारे में जानने से पहले थोड़ा बहुत हल्की सी सिंपल टेक्निकल चीज पता करना जरूरी होता है। पहला होता है ग्राफ। इसको हम बोलते हैं ग्राफ, मतलब एक साइड में, ये साइड में है टाइम जो हम आवर में लिखे हैं, जीरो से स्टार्ट होता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, और यहाँ है 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, यानी कोई साइकिल में जा रहा है तो ये 2 घंटे में कुछ इस दोनों के बीच में आता है, मतलब 20 मतलब ये 30 और ये 40, तो 2 घंटे में 30 किलोमीटर वो जा सकता है। तो सिमिलरली 4 घंटे में वो कुछ 60 किलोमीटर जा सकता है। तो ये है ग्राफ, इसको ही ग्राफ बोलते हैं। उसी के आधार पर हम चलेंगे, हमारे जो वोल्टेज है, जो एसी है, वो कैसे सब काम करता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए अब देखते हैं ये डीसी वोल्टेज क्या है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब ये है मान लो टाइम स्केल और ये है वोल्टेज स्केल। ये टाइम स्केल हम 0 सेकंड से शुरू करके 50 सेकंड तक, और या 1-2 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटा, 50 घंटा भी कर सकते हैं। और इसको वोल्टेज के हिसाब से 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, मान लो ये 12 वोल्ट है और 15, 16, 20, मतलब 12 वोल्ट है। ये डीसी क्या होता है, हम कितना भी टाइम स्केल में जाएंगे, ये डीसी अगर ये लाइन स्ट्रेट है, मतलब ये वोल्टेज सेम रहता है। मतलब ये मान लो 12 वोल्ट का स्केल है, ये हमेशा 12 वोल्ट ही रहता है, तो इसी को बोलते हैं डीसी। चलिए अब देखते हैं, यह जीरो लाइन, मतलब जीरो, यहाँ से वोल्टेज बढ़ के 10, 20, 50 या हम इसको 12 वोल्टेज यहाँ तक माने थे। इसी स्केल में डीसी भी हम रखे हैं और एसी भी रखे हैं। तो मतलब क्या है, मान लो ये जगह है 12 वोल्ट का और ये मान लो कुछ है 15 वोल्ट का। तो क्या होता है, ये जीरो से टाइम के हिसाब से, मान लो यहाँ से यहाँ कुछ टाइम है, वो टाइम के हिसाब से ये धीरे 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 बढ़ के, धीरे धीरे बढ़ के यहाँ कुछ 12 वोल्ट होके, फिर 15 वोल्ट होके, फिर 15 वोल्ट से 12 वोल्ट होके, फिर धीरे धीरे गिर के 0 वोल्ट होके, फिर नेगेटिव हो जाता है। इसको यहाँ से यहाँ पॉजिटिव बोलते हैं और यहाँ से यहाँ नेगेटिव बोलते हैं। तो फिर यहाँ से नेगेटिव होके, यहाँ से नेगेटिव 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 होके, नेगेटिव में फिर उतना ही वोल्टेज होके, फिर जाके फिर 0 हो जाता है। इसको हम 1 साइकिल बोलते हैं। ये साइकिल मतलब क्या है, हम तो सुने हैं साइकिल में 2 पहिया रहता है, और ये फिर साइकिल, इसका भी 2 पहिया रहता है। इसको पॉजिटिव साइकिल बोलते हैं, इसको नेगेटिव साइकिल बोलते हैं। भाई क्या करें, ये हमारे इंजीनियरिंग का तो बुलावा है, उसको बोलना पड़ता है। तो ये क्या होता है, इसके टाइम के हिसाब से, अगर हम टाइम में आगे बढ़ेंगे तो ये रहा टाइम के हिसाब से, ये रहा 1 साइकिल, मतलब 0 से पूरा ऊपर तक गया। ये मैं 15 वोल्ट बोला था, ये 230 वोल्ट भी हो सकता है, 300 वोल्ट होता है, 1000 वोल्ट भी हो सकता है, फिर गिर के 0, फिर नेगेटिव होता है, फिर 0, फिर ऊपर हाईएस्ट, फिर नीचे 0, फिर ऐसे ऐसे करके चलता जा रहा है, जब तक आप इसको देखेंगे वो चलता जा रहा है। उसको टाइम स्केल में हम कुछ टाइम बोलते हैं, वो खास करके हमारा ये यहाँ से यहाँ जो टाइम है ना, बहुत ही कम है। बहुत ही कम मतलब हमारे जो सप्लाई हम घर में बोलते हैं उसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज। अरे हर्ज क्या है, हर्ज एक बंदा का नाम जो इसको इन्वेंट किया था, इसके नाम से इसको हर्ज या HZ बोलते हैं। तो ये HZ मतलब ऐसे, इसको एक जो साइकिल हम बताया, ऐसे 50 साइकिल, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ऐसे 50 तो साइकिल हो जाता है इन 1 सेकेंड। मतलब ये पूरा अगर लंबा करके आप जाएंगे, पूरा 1 सेकेंड का टाइम में वो 50 ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ कितना, यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड को 50 में अगर डिवाइड करेंगे, ये है उतना ही टाइम। मतलब 1 को 50 में डिवाइड करेंगे मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं 0.02
सेकेंड्स, 0.02 मतलब एक्चुअली वो होता है 20 मिली सेकेंड। अरे फिर मिली कहाँ से आ गया? अरे भाई ये मिली सेकेंड है, मतलब सेकेंड को अगर हम 1000 में डिवाइड करेंगे तो ये होता है यहाँ से यहाँ 20 मिली सेकेंड, और मतलब यहाँ से यहाँ 10 मिली सेकेंड। और फिर ये ग्राफ में कभी कभी हम लिख देते हैं एम्पलीट्यूड। अरे भाई हम तो वोल्टेज बोल के सुना था, फिर ये एम्पलीट्यूड कहाँ से आ गया? अरे यार एसी को हम कभी कभी एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, कभी कभी मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, कभी कभी वोल्टेज भी बोलते हैं, बट ज़्यादा करके एसी के लिए एम्पलीट्यूड बोलते हैं और डीसी के लिए वोल्टेज बोलते हैं, डीसी के लिए कोई एम्पलीट्यूड नहीं बोलते हैं। तो ये जो टर्म है ना डीसी एसी, और आगे जाके पता करेंगे करंट को क्या बोलते हैं, कर वोल्टेज को हम कभी कभी बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और करंट को कभी ड्रॉप नहीं बोलते हैं, करंट को बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है। तो ये सब सारे चीज़ धीरे धीरे हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमको अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा, क्योंकि हम लोग जब आगे बढ़ेंगे बार बार हम बताएंगे, हम जब पाइप में देखे थे करंट फ्लो हो रहा है, मतलब पाइप में अगर वाटर फ्लो हो रहा है मतलब करंट हमेशा फ्लो होता है, करंट कभी ड्रॉप नहीं होता है। और वोल्टेज क्या होता है? हमारे टंकी से पानी अगर धीरे धीरे नीचे हो जाता है तो उसको पानी कम होता है तो मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसको वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। तो समझ लिया हम अभी, वोल्टेज ड्रॉप होता है और करंट फ्लो होता है। तो इसी के हिसाब से यहाँ क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है, यहाँ ड्रॉप होता है, फिर यहाँ नेगेटिव या, तो ऐसे ऐसे करके इसको बोलते हैं एसी। तब हो गया एंड इसी को ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो टाइम स्केल है ना, ये टाइम स्केल 1 सेकेंड में 50 दफ़ा होता है, 50 दफ़ा ये ऊपर नीचे होता है, तो इसी को बोलते हैं 50 हर्ट्ज। मतलब 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकेंड में वो 50 दफ़ा ऊपर नीचे होता है, इसी को 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसी को ही मानते हैं हम फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसीलिए सर्किट के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं लाइक भी करिए, और बेल बटन भी दबाना ना भूलिए।